आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोगों के जेडीयू, आप फिर भाग के वहाँ गया, उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए? हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है? इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए, कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सबका कोई मतलब नहीं, आप कुछ से कुछ बोलता है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी इससे पहले किस किस पार्टी में रह चुके हैं, उनके पिता कहां थे, तो तमाम जो है तरीके से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को घिरा है। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। सोच लीजिए, अब आप भी सोच लीजिए, इसीलिए अरे जो बोलता है उसका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोगों के जेडीयू, आप फिर भाग के वहाँ गए, उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए, कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सबका कोई मतलब नहीं, आप कुछ से कुछ बोलता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोगों का संबंध था अगर, तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए? हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है? और उन्होंने जो किया, और देखिए श्रद्धेय अटल जी के टाइम में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट नहीं होने दिया, और सब मिल करके काम कर रहे थे, सबका, विपक्ष के लोग भी रहते थे वो भी खुशी रह प्रकट करते थे, हम लोग तो रहे हैं ना, आ कितना ज़्यादा हम लोगों को मानते थे। हम एक बार एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं, जब हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन कर दिए, और वो तैयार ही नहीं थे, तो हम दूसरा बार जाके हाथ जोड़ करके कहे कि हमको चुनाव भी रहे सर तो मान लीजिए, तो हमको वो एक्सेप्ट किए। आप सोचिए तो कोई रिजाइनों करता है? हम लोगों का बतवा भुला जाते हैं कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन के गए, देखे सौ आदमी मर गया था, हमको देख करके इतना बुरा लगा। अब बाद में दोबारा जब हमको किए तो जो हम बनाए योजना, अब सोचिए वो योजना हम लोग बनाए, उसके बाद भी बना, अब कितना बढ़िया हो गया, अब देखते हैं होता है कुछ, आ कितना हम लोग काम किए, तो हम लोगों के किए हुए काम को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम को इन लोगों को याद रखें, कहेगा सब हम ही लोग करें, आ कुछ नहीं करना। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी को नीतीश कुमार ने याद किया। उन्होंने कहा कि देखिए आप तो बीजेपी वाले भी अटल जी को भूल गए। फिर नीतीश कुमार ने बताया कि जब अटल जी की सरकार थी तब वो रेलवे में मंत्री थे, और जब बंगाल में रेल दुर्घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी लेते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये लोग सब बातें भूल गए हैं। तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जोरदार तरीके से जवाब दिया। इसके साथ ही मिट्टी से मिलाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि उनको जो कुछ करना है इससे आगे भी कर सकते हैं। तो देखना होगा ये नीतीश कुमार बनाम सम्राट चौधरी की जो लड़ाई चल रही है वो कहां तक जाती है, क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। उन्होंने कसम भी खा रखी है कि जब तक नीतीश कुमार को बिहार से विदाई नहीं करेंगे तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो देखना होगा कि ये राजनीति जो गर्म है वो कब तक रहती है। बहरहाल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखने का हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।